एक बार प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। आज मैं आप लोगों को दरबार दिखाऊंगी, करौली सरकार का दरबार। कल 30 जनवरी 2020 का दिन है और दरबार को बहुत ही प्यारा सजाया गया है, और मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि बाबा का दरबार इतना प्यारा, इतना न्यारा, इतना अच्छा सजाया हुआ है। हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग, ऐसा लग रहा है एकदम हम स्वर्ग में ही हैं। आप भी देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये पूजनीय गुरुजी का घर। सारे पेड़ को भी आप देखेंगे तो पूरे पेड़ों पे लाइटिंग की हुई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। ठीक है, अब आपको लेके चलते हैं दरबार। दरबार का एक अंदर का थोड़ा सा सीन आपको दिखाते हैं। वहां दरबार को भी बहुत प्यारा सजाया हुआ है। आपको दरबार के अंदर लेके आए हैं। आप देख सकते हो दरबार को कितना प्यारा सजाया हुआ है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो सारे जो भक्त हैं वो अभी सोने के लिए गए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। कल सुबह है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहेगी। अब आपको चलो हम थोड़ा सा और अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं दरबार के अंदर का। और सब जगह बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है, तो चलो आपको पूरा दरबार आपको दिखाया जाए। पूजनीय बाबा जी यहाँ पे रहते हैं। बाहर हम जा रहे हैं, वहां पे भजन लगाया हुआ है। ठीक है, वहां पे भजन भी चल रहा है, तो मेरी आवाज उतनी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन आप लोग दरबार का माहौल देखिएगा और दरबार को किस तरह सजाया है, पूरा लाइटिंग वाइटिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, सोचा कि चलो आप लोगों को भी दरबार एक बार घुमा दिया जाए और आप लोग भी देख लो। Thank you.
आप जो देख रहे हो पुजरी बाबा जी का दरबार। अब आपको हम बड़े वाले दरबार में लेके जा रहे हैं और वहाँ का लाइटिंग दिखाएंगे। मैंने एक
लेके जा रही हूँ। अब आपको माता जी का मंदिर दिखाऊंगी। यहाँ पे साउंड लगा हुआ तो मेरी आवाज आप लोगों को ना उतना क्लियर सुनाई देगी नहीं। वहाँ पे माता जी का मंदिर है लेकिन हम माता जी के मंदिर में जाएंगे नहीं, हम चलेंगे अब शनि जी का मंदिर, शनि भगवान का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और पूजनीय बाबा जी की समाधि है तो समाधि पे भी जाएंगे और थोड़ा सा आपको समाधि भी दिखाऊंगी। ये जो आप देख रहे हो ये शनि भगवान का मंदिर है और कितना प्यारा डेकोरेट किया है। अभी यहाँ पे लॉक है तो मैं अंदर जा नहीं पा रही हूँ तो मैंने बाहर से ही आप लोगों को दिखा दिया। अब हम जा रहे हैं पूजनीय बाबा जी की समाधि। हेलो, पूजनीय बाबा जी की समाधि। क्या हुआ भाई? वीडियो बना रही हूँ। पूजनीय बाबा जी की समाधि, मैं आप लोग को इसका भी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। बाबा जी की समाधि को भी बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है और लाइटिंग बहुत बढ़िया लाइटिंग की हुई है, बड़ा सुंदर लग रहा है देख के। अब हम चलते हैं माता जी के मंदिर पे। अब वहाँ का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि माता जी के मंदिर को कितना अच्छे से सजाया हुआ है।
ये माता जी का, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये माता जी के जस्ट सामने का था। वापस मैं आपको दिखाती हूँ, ये माता जी के जस्ट सामने ही है और इसको बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। अब हम दिखाते हैं आपको पूजनीय गुरु माता जी का मंदिर, इसको बहुत बहुत यानी बहुत प्यारा सजाया हुआ है। आपको अंदर लेके चलते हैं और आप देख सकते हो कि हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि हम पूजनीय गुरु माता के मंदिर के सामने हैं और साथ में गुरु माता भी आई हुई है। और आप ये तीन त्रिशूल भी देख सकते हो, अगर आपके अंदर अगर आपको कोई भी समस्या है तो त्रिशूल पकड़ के आप अपनी सारी समस्या कह सकते हो और आपकी जो भी तकलीफ है माँ सुन लेती हैं और आपकी समस्या जो उसका निवारण उसी दिन से होना शुरू हो जाता है। देख सकते हो पूजनीय गुरु माता जी का प्यारा सा दरबार, प्यारा सा मंदिर, कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ। और दरबार दिखाएंगे, दरबार भी डेकोरेट हुआ है। अब यहाँ से हम निकलेंगे सब और दिखाएंगे आपको। अब चप्पल पहनेंगे फिर हम जाएंगे। आपका कल क्या प्रोग्राम है भाई? हमारे साथ सुनील भैया हैं। सुनील भैया को थोड़ा सा शिकायत है कि पूरे मंदिर को सजाया है, कुछ कुछ कमियां रह गई है माता के मंदिर को सजाने के लिए, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निष्ठा से सब हो जाएगा। ये सब भी इनका कहना है कि सारे पेड़ों को लगाया तो माता जी के पेड़ों को छोड़ा गया है, तो वो भी उसके पीछे लगे हुए हैं, वो भी लग जाएगा। अब आपको हम दिखाएंगे ये यहाँ पे लाइटिंग ये हुई है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, अभी नया नया जस्ट ये कैंटीन बना हुआ है और ये कैंटीन के ऊपर भी बहुत कुछ देखोगे ना तो लाइटिंग ही लाइटिंग है, बहुत ऊपर तक ही लाइटिंग किया हुआ है। हम वापस गोल गोल घूम के उसी जगह पे आ गए, ठीक है, वापस गोल गोल घूम के उसी जगह आ गए हैं। वापस मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम गए थे गोल गोल घूम के वापस उस जगह से आ गए हैं। देखो दरबार कितना प्यारा लग रहा है। दिवाली है, दिवाली आज दरबार में। ये हमारा मेन गेट, कितना प्यारा मेन गेट को सजाया हुआ है। देख रहे हो इन्होंने पूरा डेकोरेट किया है, ये सारा मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ है।
होगा। और कल 30 जनवरी है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, कल वापस एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाओगे अभी तो।